अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इडली की रेसिपी। तो चलिए, फिर चलते हैं इडली बनाने के लिए। आज हमारे घर में आया है इडली मेकर और इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो ये कुछ इस तरीके का है। एक बड़ा सा बर्तन है और बर्तन के अंदर इसमें इसके स्टैंड्स वगैरह हैं। इससे क्या होता है कि इडली जो है ना वो एकदम परफेक्ट साइज़ और परफेक्ट शेप की बनती है। तो आपको मैं इसे बिल्कुल ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें किस साइज़ की जालियाँ हैं, किस साइज़ के मोल्ड्स हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की है और स्टेनलेस स्टील की है, बहुत ही बढ़िया है और इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको इडली की रेसिपी भी बनाकर बताऊँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इडली की रेसिपी। तो यहाँ पर ये मैंने उड़द की जो सफ़ेद वाली दाल होती है, उड़द की धुली हुई दाल, एक कप उड़द की धुली हुई दाल है और इसमें मैंने हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड कर दिया है और इसे मैंने अलग से भिगोकर रख दिया था 3 घंटे पहले। और यहाँ पर ये नॉर्मल रेगुलर वाले बासमती राइस है ना, ये बासमती राइस है। मतलब एक कप मैंने लिया था उड़द की दाल और यहाँ पर मैंने 3 कप लिए हैं बासमती राइस। वैसे इडली वाले चावल अलग भी आते हैं, सोना मसूरी राइस के नाम से, या रवा चावल का एक रवा होता है उससे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने रेगुलर वाले बासमती चावल जो है ना वो भिगो दिए थे। मतलब आप इसका रेशियो समझ सकते हैं, 1 कप उड़द की दाल है और 3 कप लिए हैं मैंने सेम उसी कप की मेजरमेंट से चावल। और इन दोनों को चीज़ों को भीगे हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसे पीसना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से मिक्सर के जार में ऐड कर देंगे। पानी अभी जितना हो सके ना आप थोड़ा बचा कर ही ऐड करेंगे, क्योंकि बस ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। और ये वाला जो पानी है ना दाल का, ये हमें यूज़ करना है जब हमें पीसने में पानी की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब हम ये वाला पानी यूज़ करेंगे। और दाल को पहले ही मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, तो ये मिट्टी वाला गंदा पानी नहीं है, बिल्कुल साफ़ पानी है, इसीलिए यही पानी यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी बनेगी इडली। अब यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 बार चला लिया है मिक्सर में और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, एक बारी में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और दाल यहाँ पर देखिए आप, अच्छी तरह से पिस चुकी है, बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, दरदरी भी नहीं है बिल्कुल। और दाल यहाँ पर हमारी सारी अच्छी तरह से पिस चुकी है, बहुत ही स्मूथ सा जो मैंने पेस्ट है ना वो बनाकर तैयार कर लिया है। और अब बारी आती है चावल की। अब हमें चावल को पीसना है और चावल को भी हमें सेम उसी तरह ही पीसना होगा, जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है ना सिर्फ हमें उतना ही पानी इसमें ऐड करना है, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े चावल निकाल लिए हैं इस वाले जार में और जितना पानी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी डाल के हम पीस लेंगे। और बिल्कुल सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पर चावलों को भी पीस लिया है। और अब हम चावल के बैटर को भी दाल वाले बैटर में मिक्स कर देंगे। ये हमारा दाल वाला बैटर है और इसमें हम ऐड कर देंगे चावल वाला बैटर भी। यहाँ पर मैंने चावल का बैटर भी अच्छी तरह से पीस लिया है और दाल का बैटर भी पहले से पीस लिया था। तो अभी हम इन दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और नमक आपको अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें इसे करना है फर्मेंट। और अगर हम नमक ऐड कर देते हैं पहले से तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो हमें इसे जल्दी फर्मेंट करना है, मतलब 7 से 8 घंटे तो नॉर्मली लगते ही हैं, या इससे कम बोलें तो सिर्फ 6 घंटे। और अगर आपको लगता है कि ठंड का टाइम है और फर्मेंट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप यहाँ पर इनो या सोडा वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये गर्मी का टाइम है तो अभी हमें कुछ और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कम अज़ कम 5 से 7 मिनट तक, ताकि इसमें हवा भर जाए और जब हमारी इडली तैयार हो तो वो फूली फूली और एकदम सॉफ्ट तैयार हो। और यहाँ पर मैंने दाल और चावल के बैटर को ना अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ना ये बहुत ज़्यादा थिक है ना ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है, तो ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बस अब हम इसे कवर करके रख देंगे 5 से 7 घंटे के लिए, या जितना ज़्यादा हो सके आप इसे रख सकते हैं, लेकिन अगर ये ओवर फर्मेंट भी हो जाता है ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि ओवर फर्मेंट ना करें, और जब भी आप फर्मेंट करने के लिए रखें तो थोड़ा बड़ा बर्तन ही लें, क्योंकि ये फूल के ऊपर तक आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना है, कितना बर्तन खाली है, जब ये फर्मेंट हो जाएगा ना ये यहाँ तक आ जाएगा। तो अभी हम इसे इसी तरह से रख देंगे।
और यहाँ पर मैं आपको एक हैक बता दूँ जल्दी फर्मेंट करने का डोसे या इडली के बैटर को। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फॉइल, जो हम नॉर्मली रेगुलर वाली फॉइल यूज़ करते हैं रोटी वगैरह में रैप के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस फॉइल को रख दिया है इस भगोने के ऊपर, जिसमें हम फर्मेंट करने वाले हैं इडली के बैटर को। और यहाँ पर अब मैं इसे दोबारा, इसका जो लिड है ना, इसकी बर्तन की, उसको मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके कवर को इस तरह से लगा दिया है, मतलब जो बर्तन की लिड है ना, वो मैंने लगा दिया इस तरह से। और अब ये बहुत ही जल्दी फर्मेंट हो जाएगा, मुश्किल से 5 या 6 घंटे लगेंगे इसे फर्मेंट होने में। तो ये एक बहुत ही अच्छा और यूज़फुल टिप है या हैक समझ सकते हैं आप इसे जल्दी फर्मेंटेशन के लिए। तो बस रख देते हैं इसे हम, ताकि ये अच्छी तरह से फूल के सेट हो जाए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ घंटे बाद। और यहाँ पर हमारा बैटर जो है ना, वो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूला फूला सा तैयार हो चुका है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने ऐड नहीं किया था। हाफ टेबल स्पून के करीब यहाँ मैंने नमक ऐड किया और इसे मिक्स कर देंगे। इडली का बैटर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने इडली बनाने के लिए इडली का जो स्टैंड है ना, उसमें पानी डाल के रख दिया है, ताकि अच्छी तरह से उसमें जो है ना स्टीम बन जाए। इडली बैटर अच्छी तरह से सेट हो चुका है और यहाँ पर मैंने इडली बनाने का जो स्टीमर है ना, उसमें पानी डाल के रख दिया है, ताकि पानी गर्म हो जाए और अच्छी तरह से स्टीम बनने लगे। तो जब तक यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, हम यहाँ पर इसके जो स्टैंड्स है ना, इसके ऊपर ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम 2-2, 3-3 बूंदे इडली स्टैंड पर ऑयल डाल देंगे और इसे ब्रश की हेल्प से ना चारों तरफ हम सेट कर देंगे, मतलब ऑयल को फैला देंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया इस तरीके का एक ब्रश और यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। मिक्स करने के बाद में हम यहाँ पर अब इडली मेकर में जो हमने ऑयल लगाया ना, जिस पार्ट पर, उसे हम पोर कर देंगे इस तरह से। थोड़ा सा पोर्शन खाली छोड़ेंगे, क्योंकि अब ये फूल कर सेट हो जाएगी। यहाँ मैंने सारे मोल्ड्स में डाल दिया है बैटर, और इसे हल्के हाथ से हम पैक कर करके ना इस तरह से सेट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने सारे स्टैंड्स को एक तरीके से इस पे सेट कर दिया है। और पानी चेक कर लेते हैं कि वो गर्म है या नहीं। गर्म हो चुका है और अब हम यहाँ पर रखेंगे इडली स्टैंड बहुत ध्यान से। मैंने इसके अंदर रख दिया है इडली स्टैंड और इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड रख दिया है और 7 मिनट तक के लिए वेट कर लेंगे हम इसका। तो यहाँ पर अभी इसे रखे हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं और यहाँ पर एक विसल की आवाज़ आने लगी है। इसका मतलब है कि जो ये कुकर है ना, इसके अंदर स्टीम अच्छी तरह से बन रही है और इंशाल्लाह हमारी इडली भी अच्छी तरह से कुक हो रही होगी। तो यहाँ पर 10 मिनट तक मैंने इसे स्टीम पर रखा है और अब इसे ओपन करके देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इडली कितनी बढ़िया तरीके से अच्छी सी फूल कर सेट हो चुकी है। और बहुत ही केयरफुल मैंने इसे यहाँ पर निकाल के स्टैंड को बाहर रख दिया है। अभी हम इडली को निकालने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसके अंदर। अभी हम एक नाइफ़ से चेक करेंगे कि इडली अंदर से कच्ची तो नहीं है। अगर नाइफ़ के ऊपर लगा रह जाता है बैटर, इसका मतलब है कच्ची है, लेकिन ये हमारी परफेक्टली कुक हो चुकी है इडली। और अभी हम इसे बहुत ध्यान से निकाल कर अलग अलग रख देंगे इसके सारे बर्तनों को,
और 2 से 3 मिनट तक इसे हम इसी तरह से रखे रहने देंगे। उसके बाद हम इसे बिल्कुल नाइफ से हल्के से नीचे से स्क्रैप करके निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो इडली है ना वो एकदम परफेक्टली बाहर निकलती है। तो यहाँ से मैंने नाइफ से चारों तरफ से इसे कर दिया था और ये आप देखिए कितने परफेक्टली तरीके से बाहर आ गई है। तो सारी हम इडली को इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे और बस इडली बिल्कुल इसी तरह से आप जब भी बनाएं तो इसी तरीके से निकालें, हल्का सा ठंडा होने के बाद निकालें। और देखिए कितनी मज़ेदार सी इडली बनकर तैयार हो चुकी है और ये एकदम सॉफ्ट भी है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पॉन्जी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इडली बन चुकी है और एकदम सॉफ्ट बनी है। मैं इसे आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी इडली है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ। वाह, आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुई है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी भी है। इसके आप एयर बबल्स देखकर ही समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बनी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इडली को सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म सांभर के साथ में, क्योंकि सांभर के साथ में बहुत मज़े की लगती है। आप चाहें तो इसे कोकोनट की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको कोकोनट की चटनी की रेसिपी भी चाहिए तो मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। थैंक यू।